हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है विनिमय विश्लेषण। देखते हैं जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी विनिमय विश्लेषण कैसे होता है, उसको आज के इस टॉपिक में समझते हैं। जैसे कि ये भौतिक राशियां हैं और ये सेकंड में है सरल भौतिक राशियों के संबंध, और इसमें होगा विनिमय सूत्र। अब चलते हैं, जो फर्स्ट है वो क्षेत्रफल है, और उसका जो है सरल भौतिक राशि में संबंध जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। जैसे कि आपको किसी खेत का, यानी कि खेत का आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लंबाई, ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई निकालना होता है, तब उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जो है लंबाई किस में मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है लंबाई का, यानी लंबाई का सिंबल होता है दूरी, लंबाई को एल, यानी लंबाई दूरी को कहते हैं, और इसको एल में मापी जाती है, इसका सिंबल एल होता है। और चौड़ाई, चौड़ाई भी किस में मापी जाती है, यानी कि मीटर में ही मापी जाती है, लेंथ में, मीटर में ही मापी जाती है, इसलिए इसका भी एल ही होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ओके, अब जो सेकंड वाला है ये है आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे कि आपको किसी घनाभ का आयतन निकालना है या ईंटे का आयतन निकालना है, उसको निकालने के लिए उसकी जो है लंबाई लेते हैं और उसकी चौड़ाई भी लेते हैं और उसकी मोटाई भी लेते हैं, यानी कि जो घनाभ होता है वो घनाभ कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये इसकी हो गई लंबाई, ये एल हो गई, और ये इसकी हो गई चौड़ाई, ये भी एल हो गई। अब इसके मोटाई, अब ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो या ऊंचाई या मोटाई, ये हो गई ऊंचाई, ऊंचाई इसको भी एल में ही नापते हैं, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई को भी मीटर में ही मापते हैं, तो इसका भी एल ही हो जाएगा। तो इसका होगा लंबाई का होगा एल इंटू चौड़ाई का होगा एल इंटू जो है मोटाई या ऊंचाई का होगा एल, यानी कि एल क्यूब। ओके दोस्तों, अब जो थर्ड है बेग या चाल। बेग क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी को बेग कहते हैं, बेग या चाल। जो बेग बेग होता है वो विस्थापन बटा समय, विस्थापन क्या होता है, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी, दूरी किस में मापी जाती है, दूरी ही मीटर में ही मापी जाती है, मीटर यानी कि एल लंबाई में ही, तो दूरी का हो जाएगा एल हो जाएगा इसका, और समय का हो जाएगा टी, समय का हो जाएगा टी। आप इसको आप लिख सकते हैं एल, जब टी को आप मतलब टी को ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, यानी कि इसकी घाते एक है अभी नीचे है, जब इसको आप ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा टी इनवर्स। अब ये बात करते हैं चाल की, जो चाल का होता है दूरी बटा समय। इसमें भी जो चाल, जो दूरी होती है वो लंबाई में ही मापी जाती है, इसको भी एल से डोनेट करेंगे या एल से ही लिखेंगे, और जो है समय, समय होता है टी, तो इसका भी वही होगा एल टी इनवर्स। जो फोर्थ नंबर है त्वरण या एक्सीलरेशन, इसका जो होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय बराबर एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। जो फोर्थ नंबर है त्वरण, त्वरण का जो परिभाषा होती है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको किस में मापा जा सकता है, जैसे कि ये वेग, वेग का हो गया एल अपॉन टी, यानी कि वेग परिवर्तन, तो वेग का आप निकाले ही हैं एल अपॉन टी, यानी कि विस्थापन बटा समय, तो इसका भी आप लिख सकते हैं वेग का हो जाएगा एल टी इनवर्स। अब इसका होगा समय का जो होगा वो टी होगा। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि टी को यहाँ पे जो टी के ऊपर घाते हैं वो एक हैं, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस टू इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं फाइव नंबर पे, बल जो होता है बल, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, संबंध द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो बल होता है उसका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान किस किस में मापते हैं, किलो में, किलो यानी कि एम। जो द्रव्यमान किलो में आप मापते हैं उसको एम से डोनेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा
एम। जो द्रव्यमान होगा वो एम हो जाएगा, और जो त्वरण होगा, त्वरण तो अभी जस्ट निकाले ही फोर्थ नंबर पे, त्वरण त्वरण होगा एल इंटू, मतलब एल टी इनवर्स 2, यानी कि टी के घाते -2, तो इसका हो जाएगा इंटू एल टी के घाते -2 इक्वल टू एम एल टी -2। अब जो छठा नंबर है वो कार्य, कार्य का जो होता है बल गुणे विस्थापन। अब जो बल अभी तो आप निकाले, बल इक्वल टू एम एल टी, मतलब टी इनवर्स 2, तो इसमें जो होगा बल गुणे विस्थापन होगा, यानी कि बल होगा, बल का तो मान अभी निकाले एम एल टी इनवर्स 2 अब इंटू विस्थापन। अभी अभी जस्ट अब आपने विस्थापन निकाला निकाला था, विस्थापन का जो होगा वो लंबाई होगा, जो विस्थापन जिसमें मापी जाती है वो लंबाई में मापी जाती है। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी को आप लंबाई में माप सकते हैं, यानी कि एल, इसका सिंबल जो होगा एल होगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा एम एल स्क्वायर 2 टी इनवर्स, मतलब टी इनवर्स 2, इसका जो होगा एम एल स्क्वायर टी -2। अब चलते हैं 7 नंबर पे, जो शक्ति है, शक्ति का जो वो होता है फार्मूला होता है वो कार्य बटा समय, यानी कि वर्क, वर्क बटा समय। अभी आपने कार्य का निकाला बल गुणे विस्थापन, जो कार्य होता है वो, अब आपको यहाँ पे कार्य बटा समय मतलब करना है, तो आपका कार्य ये है और इसके नीचे समय लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2, अब इसके नीचे समय, समय क्या है टी है। अब इसको हल करने पे ये होगा, अब यहाँ पे एक है तो इसको आप ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो है +1 है तो इसके घाते इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जो 8 नंबर है यानी कि घनत्व, घनत्व का जो है सूत्र है वो द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं, किलो का द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, किलो का जो होगा एम होगा, तो यहाँ पे होगा एम बटे आयतन। आयतन अभी निकाले थे आप, ये देखिए आयतन 2 नंबर पे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि एल क्यूब, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एल क्यूब। अभी द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटा आयतन का हो जाएगा एल क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल -3 इनवर्स। ओके दोस्तों, अब 9th नंबर है जो है संवेग है, संवेग का जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान किस में मापते हैं, किलो में ही मापते हैं, तो इसका हो जाएगा एम अब गुणे वेग। अभी आपने वेग का निकाला था यहीं पे, वेग या चाल का निकाला था, एल टी इनवर्स हो जाएगा वेग का, ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, मतलब एल टी घाते -1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी के घाते -1। अब चलते हैं 10th नंबर पे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान मतलब और इंटू वेग का स्क्वायर, यानी कि हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। अब जो द्रव्यमान है वो एम से मापा जाता है, जो हाफ है इसको आगे हाफ लगा देते हैं 1/2, फिर ये हो जाएगा एम इंटू। अभी आप वेग का यहाँ पे निकाले थे, जो वेग का होता है एल टी इनवर्स, तो ये हो जाएगा एल टी -1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम इंटू एल टी इनवर्स इंटू एल टी इनवर्स,
अब इसमें देखिए, अब ये हो जाएगा हाफ का हाफ ही रहेगा, ये एम हो जाएगा, अब ये एल टी, एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा टी इंटू टी इनवर्स यानी कि गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं, इसका भी एक था, इसका भी एक था, इसलिए एल का घाते टू दो हो गया, और यहाँ पे इसका माइनस एक है, इसका माइनस एक है, इसका हो जाएगा -2। ओके दोस्तों।